तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूट्रिशन बेसिक्स के दूसरे एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की। तो प्रोटीन के बारे में पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कितने इसके फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप ये सीरीज़ पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको शुरुआत से देखिए। आपको पूरी सीरीज़ मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इस पूरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। न्यूट्रिशन बेसिक्स के नाम से ही है, तो आप वहाँ जाके इसे स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। तो अब चलिए ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि जो ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये हर फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। फ़र्क इतना होता है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो रेशियो का डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं अंडे की, तो एग में प्रोटीन और फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना के बराबर हैं, बट तीनों के तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट। ऐसे ही मैं बात करूँ चपाती की, रोटी की, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन कम है और फैट्स बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये होता है कि हर फूड आइटम में आपको तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, बस फ़र्क होगा कि वो किसी में ज़्यादा होंगे और किसी में कम। तो दोस्तों, जो प्रोटीन है वो एक तरह से हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी मसल्स का। तो इसके फ़ायदों की बात करता हूँ। सबसे पहले तो मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, हेयर ग्रोथ में, साथ में आपकी बॉडी की जितनी भी ओवरऑल ग्रोथ है, डैमेज को रिपेयर करना, तो प्रोटीन का वो काम होता है। आपकी डैमेज मसल्स को प्रोटीन ही रिपेयर करता है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी ग्रोथ और रिपेयरिंग में वो हेल्प करता है। और जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है हमारा अमीनो एसिड्स में, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, जो कार्ब्स होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, और जो हमारा प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। और जो एक ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज, तो सेम कैलोरीज उतनी ही है जितनी कार्बोहाइड्रेट में होती हैं, बट दोनों का काम अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी देगा, प्रोटीन जो है वो आप ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा, साथ में आपकी डैमेज मसल्स को रिपेयर करेगा, तो दोनों का काम अलग अलग है। प्रोटीन्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज वो हैं जिसमें सभी के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, और कम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज वो होते हैं जिनमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। असल में अमीनो एसिड्स के बारे में बता दूँ, 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो जिनमें से 9 जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी वो खुद नहीं बना सकती है, तो उसे बाहर से इंटेक करना पड़ता है फूड से उन अमीनो एसिड का। और जो बाकी के 11 बचे वो हमारी बॉडी खुद उन्हें बना सकती है, तो इसलिए उन्हें नॉन एसेंशियल कहा गया है, और जो एसेंशियल है वो हमारे 9 होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को अमीनो एसिड्स के नाम नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग वीडियो हो जाएगा और कोई जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, क्योंकि देखने वाले सभी बिगनर्स हैं, और तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है फिर। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जानने में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज में सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो कम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज उसमें सब के सब प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इनकम्प्लीट सोर्सेज नहीं खाने चाहिए, कम्प्लीट खाने चाहिए, इनके बारे में भी बात करूँगा इसी वीडियो में, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अब बात करता हूँ उनके एग्जांपल्स की। अब कम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज में सभी एनिमल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, पनीर हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि पनीर, कर्ड वगैरह, योगर्ट हो गया, और साथ में चिकन, फिश, एग्स, मीट, तो ये सब जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं इनमें आप लोगों को मिल जाएंगे सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बट बात करूँ इनकम्प्लीट की, तो इसमें सभी प्लांट बेस्ड फूड्स आ जाएंगे, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, लेंटिल्स हो गए यानी दालें, राजमा हो गए, चने हो गए, और पीनट्स हो गए। तो जितने भी ऑलमोस्ट सभी इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, इनमें सभी के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, उसमें कम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज नहीं है, वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको इनकम्प्लीट सोर्सेज नहीं खाने हैं, उसके बारे में मैं भी कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, प्रोटीन की बहुत सारी मिथ हैं। सबसे पहली जो सुनने में आती है वो ये होती है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाता है। कुछ किडनी डैमेज आप लोगों का नहीं होने वाला, ज़्यादा प्रोटीन खाने का किडनी फेलियर कुछ नहीं होना, इसका नुकसान कुछ और है। ज़्यादा जब आप प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं तो आपको गैस वगैरह बनेगी, डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, किडनी फेलियर वगैरह नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। और दूसरी ये है कि नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज बेटर हैं वेजिटेरियन से, जैसे कि ये निकल के आता है कि वेजिटेरियन जितने भी हैं प्लांट बेस्ड, उनमें कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, वो लोग वो इनकम्प्लीट है, सभी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके शरीर को मतलब है अमीनो एसिड्स आने से, ठीक है। जो चिकन से प्रोटीन आएगा वो भी अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होना है, जो आपका दाल से आएगा या राजमा से आएगा वो भी अमीनो एसिड में ही ब्रेक डाउन होगा। बस बात क्या आती है, लोग बोलते हैं कि जो प्लांट बेस्ड है वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, मसल नहीं बिल्ड होगा, ये नहीं होगा। बट असल में हम जो वेजिटेरियन सोर्सेज खाते हैं वो मिक्सचर में खाते हैं, जैसे कि दाल और चावल का अगर मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दूँ, जो अमीनो एसिड्स राइस में नहीं होते वो हमें दाल से मिल जाते हैं, और जो दाल में नहीं होते वो हमें राइस से मिल जाते हैं। तो एक कंप्लीट प्रोफाइल बन जाती है अमीनो एसिड्स की, जिससे हमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। सेम एग्जांपल आप पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड का ले सकते हैं, जो ब्राउन ब्रेड में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं है वो आपके प्रेजेंट होंगे पीनट बटर में, और जो पीनट बटर में नहीं है वो आपको ब्राउन ब्रेड से मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वेजिटेरियन सोर्सेज को कंबाइन करके खाया जाता है, ताकि सब की सब एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बने और आपको सारे के सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएं।
तो वही मैंने आप लोगों को बताया कि शरीर को अमीनो एसिड से मतलब है। अब उसे दाल से भी अमीनो एसिड मिल गए, चावल से भी मिल गए, तो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड उसे मिल गए हैं। वही आप चिकन खाओगे तो उसे चिकन में सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। बस मेन बात आ रही है अमीनो एसिड से, सोर्स मैटर नहीं करता क्या है, बस अमीनो एसिड्स और प्रोटीन अंदर आना चाहिए। तो बस इस बेसिक को समझो। यही प्रॉब्लम होती है कि लोगों को न्यूट्रिशन बेसिक नहीं पता होता और बातें फिर ऐसी आती हैं कि जो वेजिटेरियन है वो मसल बिल्ड नहीं कर सकता और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज का। बट ऐसा कुछ नहीं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बेसिक है कि बॉडी को अमीनो एसिड चाहिए, बस ये बात जानो। तो अब बात करता हूँ ओवर कंजम्पशन की। अगर आप प्रोटीन का ओवर कंजम्पशन करते हैं तो क्या होता है? तो देखो, जब प्रोटीन आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे ना तो आपको गैस बनेगी, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, लूज़ मोशंस भी लग जाते हैं। तो किडनी फेलियर वगैरह नहीं होगा, बस आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे। इसलिए प्रोटीन इनटेक अपना ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें। और अगर आप लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो अपना प्रोटीन इनटेक 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक रहें। यानी कि अगर आपका वज़न है 50 किलो तो आप 60 ग्राम्स पर डे से लेके 100 ग्राम्स पर डे तक प्रोटीन लें। अब उस रेंज में आप एडजस्टमेंट्स कीजिए, आप देखिए आप कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो 100 ग्राम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे बट 80 ग्राम कर लेंगे। तो पहले 80 ग्राम करो कुछ टाइम तक, फिर धीरे धीरे आप 100 ग्राम पे आओ। जैसा कि मैं अपने इस वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही डिटेल में इस बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो बस ये है इशू, प्रोटीन का इनटेक ज़रूरत से ज़्यादा मत करें, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे। तो ये होता है प्रोटीन के ओवर कंजम्पशन से। और ऑब्वियसली जब किसी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जब ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज हो जाता है तो आपका वेट गेन होगा, आपकी बॉडी में फैट गेन होता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में।